नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी AGTE वीडियो वैकेंसियों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, उनके पाठ्यक्रम पैटर्न, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। आने वाली वैकेंसी जो हैं, वीडियो और एग्ज़ाम भी होने वाला है, AGTE की वैकेंसी आने वाली है। अगर प्रीवियस देखा जाए तो सिलेबस जो था जीके जीएस मैथ रीजनिंग यही सब सेम था। अभी हालांकि नए वैकेंसी जो आएंगी उसमें क्या सिलेबस होता है, क्या चेंजेस होती हैं, वो तो बाद में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस चेंज से रिलेटेड तो आप लोगों को जानकारी होगी। तो लेकिन जो पुराना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। उसके अलावा जो भी हैं एग्रीकल्चर TA की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग एग्रीकल्चर भी पढ़ते रहें, क्योंकि चांसेस हैं पाठ्यक्रम जो है सिलेबस चेंज होने की AGTE के लिए, तो एग्रीकल्चर भी हो सकता है कर दिया जाए, शासन के पास गया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पहले पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे, पाठ्यक्रम क्या रहता है 2018 में, अगर देखें यूपी ट्रिपल एस सी AGTE वैकेंसी, और इन सभी के लिए बुक क्या रहेगी उनको भी वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा वीडियो AGTE परीक्षाओं में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं आपके एग्जाम के स्कोर से महत्वपूर्ण, वो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो है कि आप देखेंगे 2018 AGTE का पेपर, अगर आपके पास नहीं होगा तो टेलीग्राम में हम शेयर कर देंगे, टेलीग्राम में शेयर किया गया भी है, तो वहाँ से आप उस क्वेश्चन पेपर को देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हिंदी टॉपिक, अगर हम हिंदी सब्जेक्ट को चॉइस करें तो हिंदी में जो है आपका अपठित गद्यांश से 4 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये काफ़ी अहम रोल होता है, अपठित गद्यांश जो है जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके अलावा है पत्र, 3 से 4 क्वेश्चन जो है लेटर से दिए है, ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रोवाइड भी किए गए थे स्टडी वाले पे। तो पत्र लेखन हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उपसर्ग प्रत्यय से 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तत्सम तद्भव देशज विदेशज से लगभग 5 क्वेश्चन जो है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे मिला के जो है। इसके अलावा पर्यायवाची विलोम, ये आपके लिए 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं आए थे पिछली बार जो AGTE का वैकेंसी हुआ था। इसके अलावा वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका वीडियो हम जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। वर्णमाला से 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे और ये जो है आपके महत्वपूर्ण थे, इसको थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद मुहावरा से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, समास संधि से 2+2 यानी 4 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, 2 समास से 2 संधि से। संज्ञा सर्वनाम अव्यय क्रिया, ये सभी जो इनसे संबंधित विशेषण हुआ, ये सभी से संबंधित जो है विस्मयाद बोधक, इन सभी से प्रश्न जो है 7 के प्रश्न जो है वो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद जो है शुद्ध से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मिले हुए थे AGTE के। वाक्यांश से संबंधित अगर बात की जाए, 3 क्वेश्चन लगभग जो है वाक्यांश से संबंधित था। लिंग चिन्ह से जो है 2 क्वेश्चन था, शब्द भेद से 2 क्वेश्चन था, अन्य से जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। हालांकि लेखक हैं उनकी कृतियों से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 का क्वेश्चन जो है आपको GK में पूछा गया था, हिंदी में तो लेखक एवं उनकी कृतियों से संबंधित जो है प्रश्न आपके नहीं पूछे गए थे। ये तो हो गया AGTE हिंदी का पैटर्न, और हिंदी के लिए जो है आपके लिए बुक, उसको हम थोड़ा पहले सभी सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सी किताब जो है किस राइटर की आपको लेनी है उसके बारे में बताएंगे। तो इसके बाद अगर बात करें हम लोग GK GS में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो GK जो होता है जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन का आपका पेपर आया हुआ था, जिसमें में से अगर आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जो है 25 क्वेश्चन था, क्योंकि GK में जो है जनरल नॉलेज में आपको जियोग्राफी के अंतर्गत एग्रीकल्चर जो है वो टॉपिक एक होता है, इंडियन एग्रीकल्चर, वर्ल्ड एग्रीकल्चर, इन सभी से संबंधित, तो उससे संबंधित जो है आपका एग्रीकल्चर से संबंधित जो है 50 में से 25 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके एग्रीकल्चर से ही पूछ लिए गए थे। और 25 क्वेश्चन जो है उसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उनसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन, बाकी करंट अफेयर्स के 7-10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से भी संबंधित आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये तो जनरल नॉलेज को हो गया। अब बात करें GS कहाँ से पूछा गया था, GS के लिए बात की जाए तो GS में जो है टोटल
जीएस हो गया, मैथ हो गया, ये दो चीज़ें जो है आपकी एक ही में था 50 क्वेश्चन, तो 50 में से 25 क्वेश्चन जो है आपके मैथ के आए थे, 25 में जीएस था, और 25 जीएस में भी आपको 11 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर के पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25 आपके जो जीके के थे सामान्य अध्ययन के, उसमें 25 क्वेश्चन प्लस जीएस में भी जो है आपके 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 36 क्वेश्चन जो है 200 में एग्रीकल्चर के 36 क्वेश्चन जो है आपके कम पूछे गए थे। तो ये हो गया। और मैथ के जो है 25 क्वेश्चन, मैथ के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी आपको प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग में वर्णमाला हो गया, डिकोडिंग कोडिंग हो गया, पहचानने के लिए जो हो गया क्लासिफिकेशन हो गया, इन सभी संबंधित जो है आपके फिगर्स हो गए संबंधित, ये कथन निष्कर्ष, ये सभी जो है टॉपिक आपके एग्जाम में आए हुए थे, उनके बारे में हमने वीडियो कहाँ से किस कौन सा प्रश्न पूछा गया है वो सॉल्व कराया गया है पेपर, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये टोटल जो है 200 क्वेश्चन जो है आपके एजीटीए में पूछे गए थे, जहाँ पे 50-50 क्वेश्चन का चार पोर्शन था, जिसमें 50 हिंदी, 50 जीके, 50 जीएस मैथ और 50 रीजनिंग। तो जीएस में 11 क्वेश्चन, जीके में 25 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से पूछे गए थे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2018 का हुआ है वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इसी टाइप पे जो है बेस पे आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया गया था UPSC के द्वारा। अब हम लोग देखें UPSC द्वारा और भी वैकेंसी जो है उनमें कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो की हम लोग देखें। सबसे महत्वपूर्ण जो है वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए भी इस वीडियो में बेनिफिट मिल जाएगा। तो वीडियो में भी 50 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, मुहावरा लोकोक्ति से अगर बात की जाए चार प्रश्न पूछा गया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द दो, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करने के लिए एक प्रश्न आया हुआ था, लेखक और उनकी कृतियों से संबंधित 3 क्वेश्चन, जबकि आपके AGTA में जो है इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास 2 प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध शब्द वाक्य शुद्ध से देखेंगे तो आपको AGTA में भी पूछा गया, यहाँ पे भी पूछा गया। संज्ञा सर्वनाम, ये देखिए काफ़ी अहम रोल है, 8 प्रश्न यहाँ पे भी पूछे गए थे, सबसे एक प्रश्न पूछा गया था। AGTA में भी वही आपका फॉलो हुआ था पैटर्न, एक एक प्रश्न जो है हर टॉपिक से पूछा गया था, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण क्रिया, अव्यय, पर्यायवाची विलोम, ये सभी से। लिंग वचन कारक से भी प्रश्न आपके AGTA में पूछे गए थे, यहाँ वीडियो में भी 5 प्रश्न पूछा गया है, लिंग से 2 क्वेश्चन था। वाक्य के प्रकार, वाच्य चिन्ह, इनसे भी संबंधित आपके AGTA में भी पूछा गया है, वीडियो में 3 प्रश्न पूछे गए थे। वर्णमाला से 5 क्वेश्चन, और आप AGTA में भी देखेंगे तो 5 क्वेश्चन जो है वर्णमाला से संबंधित पूछा गया था। शब्द के प्रकार से भी, शब्द के प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, आपके AGTA में भी पूछा गया है। उपसर्ग प्रत्यय से 3 प्रश्न वीडियो में पूछा गया है, इसमें भी आपका पूछा गया है। संधि समास 2 प्रश्न, तद्भव तत्सम से 2 प्रश्न, गद्यांश से जो है वो 4 प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा हम लोग देखें टॉपिक वाइज एनालिसिस, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, मुहावरा लोकोक्ति से 2 प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द 2, इंग्लिश से हिंदी बाद 2 प्रश्न पूछे गए थे, लेखकों उनकी कृतियों से 2 प्रश्न पूछा गया था, हिंदी साहित्य का इतिहास 2 प्रश्न पूछा गया था, हिंदी भाषा का परिचय क्षेत्र 2 प्रश्न पूछा गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से यहाँ पे देखेंगे तो 10 प्रश्न जो है पूछा गया था। लिंग वचन कारक चिन्ह से जो है यहाँ पे 5 प्रश्न पूछा गया था, लिंग से फर्स्ट शिफ्ट में जो है 2 प्रश्न, लेकिन वचन से जो है 2 प्रश्न सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न बनाया था वहाँ से पूछा गया था। इसके बाद वाक्य के प्रकार, वाच्य चिन्ह से भी 5 प्रश्न पूछा गया, वर्णमाला से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, शब्द के प्रकार, यानी अगर आप देखेंगे वीडियो के दोनों शिफ्ट मिला के 8 प्रश्न जो है आपके वर्णमाला से ही पूछे गए थे, और AGTA में भी 5 प्रश्न जो है आपके वर्णमाला से पूछा गया था। संधि समाप्त से 2, तद्भव तत्सम से 3, गद्यांश से 4, पत्र लेखन से 1 और शब्द वाक्य अशुद्धि से 1। तो ये टोटल जो है वीडियो का हो गया। अब इसके बाद हिंदी का हम टॉपिक देखें, जो आपका UPSC फर्स्ट गार्ड का एग्जाम होता है, उसमें मुहावरा एवं लोकोक्तियों से संबंधित 6 प्रश्न पूछे गए थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द 4 प्रश्न पूछे गए थे, पत्र लेखन के 1 और लेखक एवं उनकी कृतियां 1, विलोम पर्यायवाची से 8 प्रश्न पूछे गए थे, वर्तनी अशुद्ध वाक्य 5, भिन्नार्थक शब्द जो है 3, काल 3, विराम चिन्ह से 3 प्रश्न, वचन अनेकार्थी से जो है 4 प्रश्न पूछा गया था, वाक्य प्रकार से 3 प्रश्न पूछा गया था, कारक से 3 प्रश्न पूछा गया था, संधि समास से 8 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, तद्भव तत्सम से जो है 6 प्रश्न पूछा गया है, 2 गद्यांश से आए हुए थे 8 अंक के, संज्ञा सर्वनाम से 6 प्रश्न, समानार्थी अलंकार से 2 प्रश्न, उपसर्ग प्रत्यय से 4 अंक, लिंग से 2,
इस तरीके से जो है हिंदी का पैटर्न जो है पूछने का था। आप AGTE हो गए, वीडियो दोनों शिफ्ट का और फॉरेस्ट गार्ड इनका हमने दिखा दिया, और GKGS का पैटर्न क्या रहा है वीडियो के एग्जाम में, तो करंट अफेयर्स का अहम रोल होता है। 50 क्वेश्चन पूछा गया था, 8 से 9 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन तक जो मैक्सिमम करंट अफेयर्स था। हिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन था, जियोग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड से 8 से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन था, UPGK करंट अफेयर UP का वो 8 से 9 क्वेश्चन था, कंप्यूटर GK से 4 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक से 1 से 2 क्वेश्चन। तो आपके AGTE में GK में भी कंप्यूटर जो है पूछा जाता है GS में, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सभी जो है पैटर्न आपके एग्जाम में क्या कहाँ से पूछा गया है इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इम्पॉर्टेंट जो है कि AGTE और वीडियो के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के लिए आप इन 3 बुकों में से चाहे जो भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो है आप ले सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन की, दूसरे नंबर पर लूसेन की हिंदी आती है, तीसरे नंबर पर PN पाड़े की एक हिंदी की बुक है नालंदा की। तीनों में से चाहे जो आप लेके अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन हुआ, लूसेंट हुआ, PN पाड़े हुआ, हरदेव बारी हुआ, वासुदेव नंदन, ये तमाम हिंदी में हैं। इनमें में से सबसे अच्छा अगर कहा जाए तो हरदेव बारी का होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डीपली है। अगर आप AGTE और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट या PN पाड़े इनमें में से कोई भी ले सकते हैं, या अगर हरदेव बारी पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है GKGS के लिए तो लूसेंट सुफिशियंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पैटर्न 7 से 8 क्वेश्चन जो है GKGS इनसे संबंधित, और आप अगर AGTE के छात्र हैं तो AGTE में 25 ही क्वेश्चन जो है आपके GK जनरल नॉलेज से संबंधित थे, बाकी 25 जो है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो है आपके दे दिए गए थे। तो इन 25 क्वेश्चन के पीछे आप ज़्यादा न पढ़ के लूसेंट अगर फॉलो करेंगे तो लूसेंट से आपका ये कवर हो जाएगा। और जनरल स्टडीज़ यानी साइंस से संबंधित जो प्रश्न आपके आए थे 25 क्वेश्चन, उसके लिए भी लूसेंट की साइंस की बुक आती है, वो ले सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए जो है मैथ जो है आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी UP TPLSC द्वारा कराया गया है उसको मैक्सिमम जो है आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको ये कवर हो जाएगा। इसके लिए अरिहंत की रीजनिंग की बात की जाए, अरिहंत की RK झा की जो है बुक आती है नॉन वर्बल वर्बल दोनों, तो वो लेके आप रीजनिंग की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सभी बुक जो हैं आप ले सकते हैं, इनके माध्यम से आप जो है घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।